चार स्लॉट आपने दिया है तो चारों स्लॉट एक साथ काम भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला कुछ ऐसा है कि एक साथ दो ही स्लॉट काम कर रहा है, दो नहीं कर रहा है। को पैसा बर्बाद। क्या हाल चाल दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट जो छोटा है लेकिन काफी काम का है। बेसिकली ये एक कार्ड रीडर है जो हमारा दोस्त है जो डेस्कटॉप यूजर है उनके लिए ये काफी यूजफुल चीज है। तो ये ईवीएम की तरफ से आने वाला एक कार्ड रीडर है, USB 3 के साथ आता है। ये ब्रांड आपको 3 ईयर का वारंटी प्रोवाइड करता है। यहाँ 5 GB का स्पीड लिखा हुआ है, लेकिन ये जो स्पीड है इसके लिए डिपेंड करता है कि आपका जो कार्ड है यानी कि SD कार्ड है उसका कितना स्पीड है। तो ये जो कार्ड रीडर है ये दो टाइप का SD कार्ड को सपोर्ट करता है। एक जो माइक्रो SD कार्ड है जो अभी सब फोन में आता है, सब जगह पे यूज़ होता है, और जो कैमरे में आता है एक बड़ा SD कार्ड वो भी सपोर्ट करता है। ये दोनों टाइप का SD कार्ड है जो ये सपोर्ट करता है। पीछे की तरफ और भी इसका कुछ डिटेल्स है वो हम नहीं देखेंगे, तो पहले हम इसे फटाफट खोल लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और सिंपल पैकेजिंग है, ठीक ठाक है। प्रोडक्ट छोटा प्रोडक्ट है, उतना बड़ा नहीं है, उसके हिसाब से पैकेज जो है काफ़ी बढ़िया है। तो चारों तरफ से ही आपको सील्ड मिलता है, तो मैंने पहले ही इसे थोड़ा काट लिया था ताकि खुलने में थोड़ा आसानी हो। तो इस तरह से ये निकल जाता है। तो ये पैकेट को हम अभी साइड में रखते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो USB 3 के साथ आता है, जैसे ब्लू कलर आप देख सकते हैं USB 3 है, और केबल का जो लेंथ है काफ़ी छोटा है लेकिन केबल का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, EVM के ऊपर ब्रांडिंग मिल जाता है, और यहाँ पे एक LED इंडिकेटर है। इस तरफ आपको एक बड़ा और एक छोटा SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, और दूसरी तरफ भी आपको एक बड़ा और एक छोटा SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। नीचे की तरफ पूरा ब्लैंक है और पीछे की तरफ इसका जो मॉडल नंबर और कुछ नहीं, चार तरफ मैट फिनिश है, सिर्फ आपको ऊपर ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो आसानी से फिंगरप्रिंट पकड़ लेता है। तो ये है छोटा सा एक प्रोडक्ट। अब हम इसे PC में लगाएंगे और टेस्ट करेंगे कि इसका स्पीड कैसा है, चारों स्लॉट काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए PC की तरफ चलते हैं। मेरे पास छोटा SD कार्ड ही है, बड़ा SD कार्ड नहीं है, इसलिए मैं सैमसंग का ये जो एडाप्टर आता है मैंने इसे यूज़ किया है। तो मैंने इस पर एक छोटा SD कार्ड लगा लिया है और एक छोटा SD कार्ड है अवेलेबल 2 GB। तो हम ये दो ही है मेरे पास फिलहाल, तो हम इसे अब लगा के टेस्ट करेंगे। तो पहले मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपने PC से। ये देख सकते हैं आप, दो ही USB 3 है, तो लगा लेते हैं। तो हमने लगाते ही यहाँ पे देख सकते हैं आप LED जो है ब्लू कलर ब्लिंक कर रहा है। तब हम इस तरफ ये जो बड़ा SD कार्ड है इसे लगाते हैं। लगा लिया और ये PC में चलाया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 28 मतलब ये 32 GB का है। अब दूसरा कार्ड लगाते हैं, तो दूसरा कार्ड हम इसके बाजू में लगाएंगे। ओके, लगा लिया है, लेकिन ये जो कार्ड है अभी तक आया नहीं है, शो नहीं हो रहा है PC में, शायद ये ख़राब है। तो ये जो कार्ड है शो नहीं हो रहा है, दूसरे तरफ लगा के देखते हैं। तो दूसरे तरफ लगाते ही ये दोस्तों ये आ गया, एक और बार ट्राई करते हैं। इस SD कार्ड को हम इस तरफ लगाते हैं एक साथ ही, तो मैंने लगा लिया और ये PC में शो नहीं हो रहा है। ऐसा है कि हम जब भी दो SD कार्ड को साइड बाय साइड यहाँ पे लगा रहे हैं तो PC में शो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही हो रहा है। तो इधर लगाया हमने और ये आ गया, लेकिन जब हम एक ही साथ साइड बाई साइड इसे लगा रहे हैं तो नहीं आया। तो पहले हम 2 GB को खोल लेते और इसे दोबारा खोल के लगाते, तो ये आ गया। अब हम इस छोटा वाला SD कार्ड को लगाते तो ये शो नहीं हो रहा। इसका मतलब है हम इस कार्ड रीडर में एक साथ चारों जो स्लॉट है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक ही साइड का एक ही स्लॉट ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम दो SD कार्ड साइड बाय साइड लगा रहे हैं ना तो PC में शो नहीं हो रहा है।
इसका मतलब है हम एक टाइम पे एक ही साइड का एक स्लॉट यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे है चार स्लॉट लेकिन ये दो ही जो है यूज़ेबल है, दो एसडी कार्ड स्लॉट को ही हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ये लगभग मुझे 700 का मिला है। और पैकेट में आप देख सकते हैं इसका जो MRP है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2000 MRP है और लगभग ये जो प्रोडक्ट मुझे इसके 700 रुपीज़ में मिला है। तो मुझे लगता है ये प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर चार स्लॉट आपने दिया है तो चारों स्लॉट एक साथ काम भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला कुछ ऐसा है कि एक साथ दो ही स्लॉट काम कर रहा है, दो नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।